गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल वेलकम टू एवीएन नानास व्लॉग। नाना ने फोन आगे कर दिया ऐसे आवाज आ रही है ना मैं आवाज आ रही है वॉइस तो डाल सकती है ना मन करेगा मैं अब मेहनत करनी पड़ती है। हां सो गाइस आज है सैटरडे और सैटरडे हम आए हैं एक स्पेशल जगह पे कुछ खाने के लिए तो आपको दिखाएंगे क्या खाने आया तो मीट करिका हाय अगेन मीट नानू मीट मी प्रमोशन के लिए खाना खाने और मतलब खाने में जब पिज्ज़ा मिल जाए तो अलग ही लेवल हो जाता है चीज़ों का। और वैसे भी सबको पता है कि पिज्ज़ा मुझे कितना पसंद है। अब हम इनका जो मैंने वो तो बस स्क्रॉल करेंगे देखेंगे स्क्रॉल करेंगे मतलब इसमें भी इनको स्क्रॉल करना ऐसे जब स्क्रॉल करें नीचे क्या आ रहा है इसके नीचे क्या आ रहा है तो हम ये पिज्जा पिज्जा का मेन्यू देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा किसको क्या खाना है। मीडियम हीटर गाइस यहां पे हम बेवरेजेस में मॉकटेल्स देख रहे हैं तो मैं बता दूं चाचा बहुत धन्यवाद यू कैन ट्राई आवर वाइस फ्रॉम पिज्जा दैट वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर and you can try the fish pizza and the burrata. These are the best fast food pizzas. Then you can try dough balls. That's again one of the best appetizers. Some beverages you can try out the virgin mojito, ginger mojito, and orange mason. Up so. Thank you. The crust you get with the pizza, you can try with the crust. Sure. That really works perfect. मैंने ना घर पे पिज्जा जरूर बनाया है पर जो पिज्जा का जो एक्चुअली टेस्ट होता है जो बाहर हम खाते हैं वो कैसे बनता है वो डेफिनेटली सब जानना चाहते हैं तो आज मैं वही खुद भी देखूंगी और आप भी देखने वाले हो वो चीज़ कि कैसे पिज्जा की बनता है ये। और हम आए हैं कैसे पिज्जा एरिया में तड़का लगाना इटालियन टेस्ट पिज्जा तो हम देखने वाले कि कैसे बनता है। और इनका बेस्ट पार्ट जो है ये डो को ऑलरेडी एक दिन पहले ही डो करते हैं बुनते हैं मतलब जिसके बाद वो इडली में फर्मेंट होता है और उसके बाद उसका बेस बनाया जाता है। तो अब कैसे क्या होने वाला है लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी। बेसिकली इट्स द ओल्ड ट्रेडिशनल वे ऑफ बेकिंग जो हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे गार्लिक डो बॉल्स की तैयारी हो रही है जैसे कि आप देख सकते हो ये यहाँ के शेफ हैं। लग नहीं रहा वैसे कि हाथ से बनाया है ऐसा लग रहा है मशीन का। आप क्रोसन ब्रेड देख लो ना पैसा सो लेट्स सी ये आगे इसमें क्या प्रोसेस होने वाला है। अभी या बने गाइस और ये जाया इस लाइक यहां पे पिज्जा स्टार्ट हो चुकी है। ये देख रहे हो कितने ई से वो बना रहे हैं वाओ इतना बोल तो
पर खुल चुका है चीज और सॉसेस का पिटारा। गाइस इतनी चीज सॉस, हमारे ये तीन पिज्जा है, दो तीन पिज्जा का बेस यहाँ पे हो चुका है रेडी। अब क्या होने वाला है आगे प्रोसेस, आई गेस सॉस लगाई जाएगी, तो देख लेते हैं। ये दो पिज्जा में डाले गया, इसमें नहीं डाले गया बिकॉज वो दूसरा पिज्जा है। और जो थर्ड है, थर्ड में डालेगा बुफेलो मोज़रेला फ्रेश चीज, वो अलग है कुछ। ये कौन सा फीस्ट, ये फीस्ट पिज्जा है। निकाल लिया गया है और बहुत गर्म, ये रोस्टेड बेल पेपर्स। ये कौन सा पिज्जा, ये वाइट शrooms guys, these are the different type of mushrooms. These are shiitake mushrooms. So yeah, हमारे दो पिज्जा रेडी होते हुए ये जो पिज्जा बनने वाला है यहाँ पे, ये यहाँ का फेमस एंड बेस्ट सेलर पिज्जा है। ये देखो इसको, ये गाइस आपको इंस्टा के बैक कैमरा वाली आज लड़की हमारी चेंज हो चुकी है। और साथ में जो हमारा क्या था वो गार्लिक बॉल्स, दो बॉल्स, वो भी अभी बेक होगा दोबारा। ये पिज्जा को घुमाने का तरीका है गाइस, डेढ़ मिनट में उठाने तुम्हें आगे वाला है, ऊपर का गर्म होगा। गाइस ये देखो ये पागल हो गया, बेटा आराम से, बेटा आराम से, अच्छा गाइस ये हाफ बेक होके बाहर आया, अब इसमें चीज़ ऐड ऑन होगी फिर ये वापस जाएगा। नाइस,
यहाँ पे पिज़्ज़ा में ये फ्रेश मोमो है सही दिख रहा है ये जब एक्चुअली प्लेट में आएगा ना तो और अच्छा दिखेगा ऐसे बनता है जो हमें प्लेट में मिलता है बट लोग देखने बिहाइंड द सीन जो है ना कितनी मेहनत लगती है उस पे और क्या क्या चीज़ें प्रोसेस होती है वो अच्छे से सर्विंग के लिए और अच्छे से टेस्ट के लिए तो आज हम देखने वाले हैं ना देख रहे हो और आप भी हमारे साथ देख रहे हो ऐसे सर्व होता है तीनों पिज्जा हो चुके हैं रेडी इट्स टाइम टू डू चॉप चॉप गाइस पिज्जा तो रेडी हो गया है अब और ये ना बहुत ही हम दिख रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे कि साइड कॉर्नर्स इतने बड़े बड़े क्यों हैं आप सोचोगे पिज्जा का जो साइड कॉर्नर्स है आइडियली सब लोग छोड़ देते हैं जो नहीं खाते हैं और यहाँ पे भी ऐसा है बट इसका सोल्यूशन है हमारे पास वो क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि कुछ तो ऐसा सीक्रेट भी होना चाहिए ना वो आपको आगे दिखेगा सब कुछ यही बता दें चलो आगे देखो ये बेजल सॉस बेस्ट है कि बेजल बेजल है ना वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ऑलिव ऑयल गाइस इसको अपने फोन में धनिया डालना ओके समझ गए तुम्हें मिल जाएगा वो जो तुम्हें एक्चुअली चाहिए आया चुका है हमारा खाना ये है गार्लिक डो ब्रेड ये वेजी ये यहाँ का ये बुरातो ये फिएस्टा नहीं ये मशरूम ये फिएस्टा भाई बहुत यम दिख रहा है ये और ये मैं मेरा मन कर जा रहा है मेरे को पिज्जा इतना पसंद है ना जल्दी करो ये ठंडा होकर अच्छा लगेगा पिज्जा है जल्दी से हम खा लेते हैं उसके बाद आपको बताएंगे कैसा लग रहा है बस मैं साथ में बता दूंगी देखो जल्दी से कैसा है हमारी प्लेट देखो प्लेट सॉरी टेबल देखो टेबल प्लेट नहीं टेबल हम तीन लोग तीन पिज्जा आया है और साथ में जो मेरे को दो चाहिए वो लिया है प्लस ड्रिंक्स भी हैं अब हमारी पार्टी हो रही है यहाँ पे हमारी ड्रिंक्स भी आ चुकी हैं सो लेट्स सी अरे इनको ये कट कर फुलॉन चीवी चीवी पिज्जा हम टेस्ट कर चुके हैं और ये पिज्जा एक्चुअली बहुत ज्यादा यम है एक अलग सा टेस्ट होता है बाहर वाले पिज्जा में लेकिन यहाँ वाले पिज्जा में बिल्कुल अलग टेस्ट है जो आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा और ये जिसको ऑथेंटिक इटालियन फूड खाना है ऑथेंटिक इटालियन पिज्जा खाना है तो ये दिस इज द राइट प्लेस अच्छा मैं आपको बता देती हूँ कि साइड कॉर्नर्स हम हमेशा से पिज्जा के फेंक देते हैं मतलब मैं भी फेंक देती हूँ क्योंकि नहीं खाया जाता है लगता है कि सूखा है ड्राई हो चुका है या फिर कुछ भी तो बट इसके लिए इन्होंने ये जो एक तो बेस जो बनाया है वो बहुत ही अलग है इसके साथ हम ऐसे खाने वाले हैं ये है पेस्टो सॉस सो ये मजा देगा आपको गार्लिक ब्रेड का पिज्जा स्टिक्स यस पिज्जा स्टिक्स ये देखिए इधर अच्छा लग रहा है अच्छा है प्लेटें देख रहे हो यहाँ पे ये देखो और हमने तीन पिज्जा में सिर्फ तीन तीन स्लाइस खत्म हुई है मतलब तीन स्लाइस और तीन स्लाइस मतलब एक पिज्जा भी एक ने नहीं खाया अभी तक और पेट की हालत
ओवर टाइट हो चुके हैं। क्या बोली? पूरा खाएंगे। यह देखो गाइस, ये 1 2 3 और यहाँ पे 1, ये सारा ये खाएगी और ये देख रही है, इसीलिए तो वो 5 मिनट का आपको ये सारी प्लेटें खाली दिखाएंगे दिखाएंगे दिखाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये खाली प्लेटें, ये हमारी खाली करने वाली, इतने से पेट में इतना सब चला गया। वैसे ये लाइन नानू के लिए बोल जाती है। इतने से पेट में इतना सब चला गया और हमने कैसे किया वो हमें पता है, बट पिज्जा लवर्स के लिए हेवन सही में बहुत बहुत ही, ये इसका ना पिज्जा फेवरेट है ना। पूछो कैसा कैसा था पिज्जा? नॉर्मल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ी था या फिर बहुत ज़्यादा कुछ था, एक हर सारी सारी चीज़ ना इतना सही क्वांटिटी में डाला होता है। और हाँ, स्पेशली बहुत लोग ना पिज़्ज़ा में वेजेस बहुत कम डालते हैं, ये जो लोग बनाते हैं भाई उन्होंने ना वेजेस बहुत अच्छे से करके डाली। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं या हम स्पेशल आए हैं इसकी वजह से, यहाँ पे सबके लिए ऐसा है, यहाँ तक कि जो लोग जोमेटो से या स्विगी से ऑर्डर भी करते हैं तो उनको भी ऐसे ही मिलता है। देखो प्रमोशन मैं कह रही हूँ प्रमोशन तो चलो बात अलग हो गई, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ का एक्चुअल में जो हमारा जेन्युइन रिव्यू आपको जो देना चाह रही हूँ मैं, तो वो एक्चुअल सच में बहुत अच्छा था। एग्जैक्टली हाँ, वो आपको सामने दिख ही रहा है करी का लाइक सेम टू सेम, जो इसने बोला भाई भाई, जो इसने बोला भाई भाई भाई, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, डिटो डिटो। हमारा टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का, तो हम जा रहे हैं घर और गाइस हम आए हैं डिकैथलॉन और ये देखो नानू को साइकिल चलाते हुए लड़की हमारी। ये वीडियो हम कर रहे हैं 2 दिन के बाद एंड, उस दिन आप लोगों ने देख लिया कि हम पिज्जा खा लिया था पूरा अच्छे तरीके से, हमने आप वो कैसे बनता है वो भी आपको अच्छे से दिखा दिया, क्या करते हैं वो भी दिखा दिया, एंड उसका टेस्ट तो हमने आपको वहाँ पे खाते खाते ही बता दिया था, वो इतना यम था। एंड पिज़्ज़ा खाने के बाद हम गए थे डीकैथलॉन, डीकैथलॉन में हमारी मैडम ने थोड़े जिम के कपड़े लिए, सॉरी एक्सरसाइज के कपड़े लिए, और वहाँ से हम डायरेक्ट आ गए थे अपने अपने घर, बिकॉज करिका अपने घर चली गई थी और हम अपने घर चले गए थे, और आके इतना थक गए थे क्योंकि रिचा डायरेक्ट ऑफिस से उस प्रमोशन पे पहुंची थी, तो इसलिए वो ज़्यादा थक गई थी। इसकी वजह से हम इस वीडियो को एंड नहीं कर पाए, ना ही आपको उस दिन के बारे में ज्यादा दिखा पाए, तो सो सॉरी। इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। सो गाइस डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे सबके लिंक है, और यस प्लीज एक रिक्वेस्ट है, हाय हेलो हाउ आर यू के आंसर आपको इतनी, मतलब रोज रोज आप सेम लाइन करोगे ना यार, उतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम हाय हाउ आर यू का आंसर कर पाए। सो सॉरी, आपका जब ये आता है आप इग्नोर कर रहे हो, आप देखते नहीं हो, आप ये कर रहे हो, तो यार थोड़ा आप भी समझो, हम जब अगर डेली ब्लॉग नहीं बना सकते तो डेली इस चीज़ का आंसर कैसे कर सकते हैं, थोड़ा आप इन चीज़ को भी समझो। एनीवेज थैंक यू गाइज, एंड यस सारे फैम पेजेस को स्पेशल थैंक यू, वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोज़ आपकी बहुत अच्छी होती है, हम ट्राई करते हैं सारे के सारे वीडियोज़ को शेयर करने का, और होप सो कर भी लेते हैं, आई मीन अपने प्राइवेट में नहीं कर पाते बट नानू ईवी पे हम सारे शेयर करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग, बाय टूडल्स।